नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। आइए देखते हैं क्या है न्यूज फॉर लाइफ पर आज की खास खबर। मानव सेवा ही देश की सेवा है। सिवान के हसनपुरा प्रखंड के अरंडा पंचायत के आबिद राज ने यह साबित कर दिया कि मानव सेवा ही देश की सेवा है। जी हां, आपको बता दें कि आबिद राज के नेतृत्व में रविवार को सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया। इस वितरण में क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल होकर चावल, गेहूं, चिवड़ा, दाल, सब्जी, तेल प्राप्त कर काफी खुश हुए। वहीं आबिद राज ने बताया कि हालात को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके बाद भी जब तक कोरोना जैसी महामारी को लेकर लॉकडाउन भारत में बना रहेगा, इस तरह के लोगों को मदद की जाएगी और आगे भी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही बताया कि 2 अप्रैल को जरूरतमंद लोगों को खाना बनाकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर जावेद आलम, गुड्डू, अशरफ अली, नाहिद आलम, परवेश आलम, अफ्ताब आलम, रियाज हाशमीन आदि लोग मौजूद रहे। नमस्ते, आदाब। आज का जो माहौल है हमारे हिंदुस्तान का, जो ये कोरोना के कारण सभी लोग परेशान है, हालात बहुत खराब है देश के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मदद करें। जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, जैसे रिक्शा वाला हो गया, ठेला वाला हो गया, इन लोगों की हालात ठीक नहीं है। तो हम लोग जैसे क्या किए हैं कि दाल, चावल, चूड़ा, तेल, गेहूं, ये सब हम लोग पैकेट बना करके लोगों के घर पहुंचा रहे हैं और यहां से बांट भी रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अपने अगल बगल मोहल्ले वाले लोगों के जिनकी जरूरत है उनको आप लोग भी पहुंचाइए। उस आदमी को राशन मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग दुआ करते हैं कि भाई इनको और आगे में मिले और गरीबों को सहारा करे। हम लोग जैसे लाचार आदमी को, गरीब आदमी को मिला है राशन, राशन में सब कुछ मिला है, हम लोग आनंद से खाएंगे और आनंद से सोएंगे। अल्लाह करे कि भाई इन लोग को और बरहती दे।